पोको X3 प्रो को अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पोको सीरीज को अपडेट करना चाहिए MIUI 13 से या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दूंगा, आपको पूरा ट्रिक दिखाऊंगा, मतलब जितना भी एक्सपेरिमेंट है 13 को अपडेट करने के बाद कैसा चल रहा, 13 से पहले कैसा चलता था, इस वीडियो में सब कुछ बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों के साथ जिनके पास भी रेडमी सीरीज है उनको शेयर जरूर करना। सो गाइस, जैसे हम लोग को पता था कि पोको के जो 12 वर्जन था, पोको हम लोग जब फोन खरीदे थे तो एक महीना बहुत अच्छा चला था, फिर जाके किसी किसी का फोन डेड हो रहा था, किसी का बैटरी बहुत ज्यादा फोन हीट कर रहा था, किसी किसी का तो स्क्रीन काम नहीं कर रहा था, टच जो होता है वो बहुत लेट रिस्पॉन्स कर रहा था, कहीं कहीं पर काम नहीं कर रहा था गेम खेलने में। या पोको को हम लोग जानते हैं पबजी के लिए, मतलब गेमिंग फोन के लिए, और गेमिंग फोन में पबजी नंबर वन पे है, तो हम लोग पबजी, फ्री फायर ये सब गेम खेलने के लिए यहाँ पे इस फोन को यूज करते थे, और ये बहुत इतने कम पैसों में सबसे बेस्ट फोन है आज तक का पोको सीरीज का। सो गाइस, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट मूवीज एंड सीरीज ये लोग बनाते हैं खुद का, और आपको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ गई थी कि सबका स्क्रीन लैग होता था, मतलब यहाँ पे टच करो, टैप टैप करो स्क्रीन पे तो स्क्रीन काम नहीं करता था, ठीक है, स्क्रॉल करो कुछ भी तो वहाँ पे टच काम नहीं करता था, या फिर आप फोन बहुत ज्यादा हीट हो जाता था, कई कई का ये होता, लगातार रिबूट प्रॉब्लम होते जा रहा था, वो फोन रिबूट पे रिबूट होते जा रहा था, और एक दिन अचानक ऐसा होता है कि कई कई लोगों का फोन डेड हो जाता था। तो यहाँ पे हम लोग को एक सोल्यूशन मिला था कि हम लोग फ्री में पोको का जो भी अपडेट है, अगर हुआ मतलब अपडेट की वजह से ये बग हुआ तो हम फ्री में सर्विस सेंटर पे जाएंगे और सर्विसिंग करा लेंगे फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं किसी चीज का। तो ये हमारा जिनका वारंटी में था, नई वारंटी में था, ये पोको सीरीज के साथ चल रहा है कि फ्री में आप कर सकते हो। अगर आपको इस पे फुल वीडियो चाहिए तो मैं फुल वीडियो ला दूंगा, क्योंकि मैंने अपने फोन को मेरा फोन डेड हो गया था एक्चुअली, और मैंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया, इसलिए आप लोग को ये मतलब अच्छे से समझा सकता हूं कि कैसे आप पोको सीरीज को यहां पे अपना ठीक करा सकते हो, ठीक है। तो बात होगी ये, अब यहां पे बहुत सारे लोगों का पोको फोन तो ठीक हो गया, लेकिन उनको अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि कस्टमर केयर वाले, सर्विस सेंटर वाले, पोको कस्टमर केयर वाले सब ने बोला है कि जब तक हम ना बोले आप अपने फोन को अपडेट मत करना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हुए थे, मैं भी रुका हुआ था, तो मैं एक दिन क्या करता हूँ, 13 का अपडेट आया, 13 के अपडेट को अपडेट करने से पहले कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ, पोको कस्टमर केयर को, वहां पे अपना पूरा पहले डिटेल देता हूँ, जो मैंने आप लोगों को स्लिप मिला होगा, अगर आप सर्विस सेंटर पे गए होगे और यहाँ पे फोन को आपने रिपेयर कराया होगा तो वहां पे आपको स्लिप मिला होगा, वो उस पे कोड लिखा रहता है, मैं फोटो साइड में लगा दूंगा, फोटो देख लेना, उस कोड को आप बताओगे तो वहां पे वो बोलेंगे हाँ आप 13 को अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पूछा था कंफर्मेशन के लिए कि कोई दिक्कत होगा तो क्या होगा, पैसे लगेंगे, कितने लगेंगे, क्योंकि मेरी वारंटी खत्म हो गई है, तो वहां पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अगर आपको वारंटी खत्म हो गई, अगर आपको अपडेट के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको पोको की सर्विस सेंटर पे जाना, वहां पे आपको फ्री में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है पोको सीरीज की, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं 13 को अपडेट करने के बाद उसका परफॉर्मेंस कैसा है और कैसा वो चलता है। देखो गाइस, पहले बात करते हैं 13 को अपडेट करने के लिए डेटा कितना चाहिए। डेटा देखो 3.1 GB का अपडेट है और ये हमारा मार्च के महीने में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर लिया है 3.1 GB का। अगर आपके पास वाईफाई है तो आप अपडेट करवाना, मोबाइल डेटा जियो का पैक यूज करके कर सकते हो। अपडेट करने के बाद आपको फोन को रिबूट करना है, रिबूट हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि अपडेट के बाद रिबूट होता है, फोन चार्जिंग पे रख के अपडेट किया करें, ठीक। अपडेट होने के बाद आपका फोन रिबूट होगा, उसके बाद जब आप फोन को अनलॉक करोगे देखोगे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया, जब भी आप उसको स्लाइड कर रहे हो, आप उसको स्क्रॉल कर रहे हो, सब कुछ एकदम बेस्ट हो गया उसका, यहां तक कि अगर आप उसका कैमरा यूज कर रहे हो, यहां पे कैमरा यूज करते टाइम कैमरा नॉट सपोर्टेड लिखता था, या फिर बहुत सारे ऐसे दिक्कत आती थी, कैमरा लैग होता था वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम, कभी मूवमेंट करोगे अचानक से तो ऐसे रुक रुक के वो स्लोली जाता था, और इस चीज का हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता था रिकॉर्डिंग, लेकिन मैंने डिलीट कर दिया गलती से, वरना आपको प्रूफ, वैसे पोको यूजर हो तो आपको ये फेस भी, ये प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी ये पोको फोन में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग गेमिंग की बात कर लेते हैं, तो गेमिंग के लिए हम लोग जब भी कोई गेम खेलते हैं तो यहाँ पे फ्री फायर हुआ, पबजी हुआ, BGMI जो भी आप कह लो, पबजी BGMI, ठीक है, एक ही होता है, तो वहां पे हमारा जो टच स्क्रीन था वो काम नहीं कर रहा था, वैसे भी नहीं काम कर रहा था, लेकिन गेम खेलते हम ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा था, ऐसे तो हम लोग बीच में स्क्रॉल कर लेते थे, और स्क्रॉल करते जहां पे स्क्रॉल करते थे ना, कोई रील चला रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं, ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वहां स्क्रॉल पे ही ज्यादातर वो फोन काम नहीं करता था टच। तो यहाँ पे ये सारे बग्स, सारे प्रॉब्लम जो थे 12 में थे, तो जल्दी से आप 13 को अपडेट कर लो, वहां पे आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और यहां तक देखो अभी क्या हो रहा है ना, पबजी का जो गेम अपडेट आया है उसमें बहुत सारे हीटिंग इशू आ रहे फोन में, तो यहाँ हमारे पोको सीरीज ने बहुत अच्छा काम किया कि हमारे हीटिंग इशू सॉल्व कर दिए। यहाँ पे हमारे फोन को बिल्कुल भी हीटिंग नहीं हुआ, हल्का फुल्का जो होता है कुछ परसेंटेज तक हीट होगा, जो नॉर्मल है होता है सबके सारे फोन में, ज्यादा गेम खेलने की वजह जो हीट होता है बस वही होगा। और यहाँ पे जो हमारे फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट हो गई है, तो ये बहुत अच्छी बात। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्यूटोरियल दिखा दे रहा हूँ साइड में, आप देख सकते हो कि हमारा कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है ये फोन, और थोड़ा मैं बाहर जाके धूप में बनाया हूँ वीडियो, तो इसके लिए सॉरी अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते
लगता है कि पोको का ये अपडेट बहुत अच्छा है। यहाँ पे गेम चला रहा हूँ, गेम बहुत स्मूथ चल रहा है। यहाँ पे अगर स्क्रीन चला रहे, कैमरा चला रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे एकदम बहुत स्मूथ चल रहा है। सारी जो प्रॉब्लम थी वो 12 में थी, तो जिन्होंने अभी 13 को स्विच नहीं किया वो 13 को स्विच कर लो यहाँ पे। वैसे भी अगर अपडेट में कोई प्रॉब्लम आपको मिलती है तो यहाँ पे आपको पोको कस्टमर का फ्री सर्विस देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको फोन डेट हो गया पोको का और आपको गारंटी में नहीं है और अपडेट की वजह से हुआ है, तो अगर इस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इस चीज़ पे एकदम परफेक्ट वीडियो दूंगा जिससे आपको फोन सर्विस फ्री में होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद।